मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के जिला जींद के मीडिया प्रभारी इस समय हमारे साथ रंधावा साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया का। बिल्कुल, आपका भी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जननायक जनता पार्टी की? हरियाणा के अंदर 10 सीटें आई हैं, कैसे लड्डू फूट रहे हैं? 10 सीटें जो आई हैं वो सीटें दुष्यंत चौटाला की मेहनत का नतीजा है। जो हमारे नेता में ऐसी क्वालिटी हैं जिसने थोड़े से समय में, कुल 11 महीने में, पार्टी को इस स्टेटस पर लाकर खड़ा कर दिया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इस 31 साल के जवान में जो काबिलियत है वो बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा सकती है। और इसलिए जनता ने जींद के अंदर 3 सीटें, हिसार के अंदर भी 3 सीटें देकर अपार प्यार दिया है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि ये CM जरूर जल्दी इसी योजना के अंदर बनेंगे। बिल्कुल, प्रभारी योग किसका होगा? कांग्रेस का होगा, BJP का? वो डिसाइड शायद कुछ दिनों में, आने वाले समय में तय हो जाएगा। बिल्कुल, प्रभारी के तौर पर रंधावा जी आपकी भी ड्यूटी लगी थी, आप भी एक युवा हो, क्या मानते हैं युवाओं का कितना साथ रहा है? वैसे तो खैर जहाँ भी दुष्यंत चौटाला जी जाते थे एक नारा लगता था, आया सीम, युवाओं ने एक जोश दिखाया था। क्या भूमिका मानते हैं आप, युवाओं का कितना साथ मानते हैं जननायक जनता पार्टी के? उसी जोश का नतीजा है कि दुष्यंत चौटाला अलग पार्टी बना पाए। अगर उन युवाओं का साथ मिला है दुष्यंत को तो बहुत बढ़िया है। और उन्होंने भी सोचा है उसकी सोच को कि ये बंदा, क्योंकि उसने करके दिखाया है। जो हिसार लोकसभा सीट थी ना, उसने वो ही एक ऐसे सांसद हुए हैं जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो 5 करोड़ जो निधि, अपना जो निधि कोष होता है पर साल 5 करोड़, 5 साल के अंदर 25 करोड़, वो ही एक ऐसे सांसद हुए हैं इंडिया के अंदर जिसने 25 के 25 करोड़ तो लगाए हैं। साथ में जो भजनलाल का पेंडिंग पैसा बचा हुआ था कोष का, और जो JP, आप जानते हो जयप्रकाश, जो कांग्रेस से थे, उनका भी बचा हुआ पैसा निकाल के डाणियों में बिजली पहुंचानी, गांव में RO के सिस्टम वगैरह और टैंक पहुंचाकर गांव के लोगों को सुविधा दी है, और पूरा का पूरा अपना कोष लगाया है। बिल्कुल, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करके दिखाए हैं। और संसद में भी पूरे हरियाणा की किसान की हर आवाज़ में 9 के 9 सांसदों पर भारी पड़े हैं। और यही नतीजा है कि आज ये अलग पार्टी बनने के बाद भी अपना जो जिसमें से निकले वो अपना वजूद बजाने में भी कामयाब नहीं हुई, और इन्होंने वो कर दिखाया है जो आज पूरे देश में JJP कह रहे थे, जो 3 दिन पहले मीडिया 0 दिखा रही थी, आज 10 पर आकर। और मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला ही सरकार बनाएंगे और जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे कंप्लीट करके दिखाएंगे जल्दी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम दिखाते भी रहे हैं कि जो जननायक जनता पार्टी जो कार्यकर्ता होते हैं, जैसे प्रकाश भगत भी हमने दिखाया था कि उन्होंने कहा है कि जब तक दुष्यंत चौटाला CM नहीं बनेंगे जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। और वो उसकी जो बाइक है बुलेट पर वो चलते हैं, वो भी हम दिखाते हैं। एक और भगत हमारे साथ सफ़ीदों से हो जी, क्या कहना चाहेंगे आज जननायक जनता पार्टी की 10 सीटें आई हैं, इतनी खुशी का जो माहौल, आप भी रंग बिरंगे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत खुशी है जी। तारीफ, हमारा बाल कटवाने का टाइम आ गया, हमारा CM आएगा। बाल कटवाएंगे? हाँ, बाल मुख्यमंत्री बने जब तक आप, ये इतने लंबे जो बाल हैं आपके नहीं कटवाएंगे? नहीं कटवाएंगे, आपने प्रण ले रखा? प्रण ले रखा है प्रकाश भगत के। हाँ, चलिए। तो ये अलग अलग जो कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ प्रभारी थे रंधावा साहब जींद से, जननायक जनता पार्टी के जिला सत्र पर इनकी ड्यूटी लगी थी, और आज कहीं ना कहीं जींद में 3 सीटें आई हैं। हाँ जी, पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? 3 जो सीटें आई हैं इसको जींद को गढ़ माना गया था पहले, जो पहले वाली जो पार्टी थी नेलो, उसके अंदर भी जींद को गढ़ माना गया था, उसका पूरा वोट बैंक है वो JJP के पास आ गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ट्रांसलेट हो गया है। और हमें उम्मीद थी 5 सीटों की, एक जींद में फाइट करके जैसे तैसे वो निकल गई, एक कमजोर सीट रही हमारी सिर्फ सपीदों। और इस कहने का कारण का क्या कारण मानते हैं, क्योंकि आप प्रभारी तो 5 की 5 विधानसभा हो गई थी कारण रहा जी, वैसे तो हजारों कारण है, लेकिन दुष्यंत जियों ने सोचा कि संगठन के आदमी जो वफादार होते हैं, ये सोच सिर्फ उनकी है कि उनको दिया जाए, और ये सोच गलत भी नहीं
है, क्योंकि जो संगठन के तो जीन में, संगठन के साथ तो जीन में भी कार्य करते थे, कार्यकर्ता थे, फिर वो जो 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 आपने जो प्रोटोकॉल जो सिद्धांत जो आपने लगाया है वो जींद क्यों नहीं लागू हुआ, सफेद क्यों हुआ लागू हुआ, उसका जवाब ये बनता है आज से जब 2013 के अंदर चौटाला साहब और अजय सिंह को सजा हुई थी, सबसे पहले मंगेराम गुप्ता जी का बयान आया था इस परिवार के साथ गलत हुआ है। उस समय 6 साल पहले जब मंगेराम गुप्ता जी इनेलो ज्वाइन कर चुके थे तो इनेलो का ही घटक जब बन गई है जेजेपी और उसको पूरा वो ट्रांसफर हो गया है, तो उसके बाद वो कहीं किसी पार्टी में गई नहीं, ठीक है वो कर रहे एज ए मतलब उन्होंने काम नहीं किया है, एक्टिवेट कम हुए हैं, लेकिन वो अलग तो नहीं हुए थे, तो उनको टिकट देना मैं बारी नहीं मानता। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो संगठन के ही आदमी थे जो बुरे वक्त में उन्होंने चौटाला साहब के लिए ऐसा बयान दिया है, तो आप उसको बाहरी कैसे कह सकते हैं आपके हिसाब से? चलिए सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहे थे, जनता के भी लगे थे, कुछ कार्यकर्ताओं के लग रहे थे। जींद की जनता को ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे सर, आज इस पोजिशन पर है जननायक जनता पार्टी किंग मेकर की जो भूमिका निभाएगी? पहले तो मैं आपका मेरा ये पहला इंटरव्यू है जो आपने ग्राउंड मीडिया ने लिया है, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, और आपकी इस पॉपुलरिटी के लिए मैं आपका आजीवन शुक्रिया करता हूँ, और इस मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो अपार प्रेम जींद की जनता ने दुष्यंत को दिया है, मेरा ये मानना दुष्यंत उससे डबल करके पूरी जनता को उसका कर्ज जरूर उतारेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। भाई साहब आप भी रंग बिरंगे हो रहे हैं, शायद आपसे तो पहले मुलाकात हुई थी मेरी वहाँ लिजवाना गांव में, ब्राह्मणों का समर्थन मिल रहा था उस टाइम पर, रात में आपसे बात की थी, आज दुष्यंत चौटाला अमरजीत डंडा भी जीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मना भाई साहब आप तब पहले कह दिया था कि 11 बजे तक हम जुलाना सीट निकालेगा दे देंगे भाई साहब को, और उस बात पर हम खड़े ना उतरे तो आप बताओ, बस हम तो यही कहना चाहेंगे भाई जिसने भी हमारा साथ दिया, दुष्यंत भाई साहब का साथ दिया, उनका दिल तक धन्यवाद, और उम्मीद है भाई साहब खड़े उतरेंगे। बिल्कुल, उन्हीं को साहब बस। चलिए बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के जो प्रभारी है कुलदीप रंधावा जी, कुलदीप जी, और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र जुलाना से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।